वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में देहरादून में क्लास वन ऑफिसर थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मेरे बड़े भाई साहब एन जी सी में डी जी एम में लेकिन मैंने देखा था कि क्लास वन ऑफिसर जो ईमानदार होता है उसकी लाइफ जो है एक एवरेज लाइफ होती है जिसमें कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ यानी पाँच से दस तारीख तक तनख्वाह खत्म हो गई पूरे महीना हम जो है एक तारीख का इंतजार करते हैं और उसके बाद जो है कदम कदम पे अपने आ, सपनों को घोट के अपनी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो ये लाइफ मैं बचपन से जब देखता आ रहा था तो मेरे दिमाग में एक ही बात आ गई थी कि यार मैंने ये कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ तो मैं नहीं जी पाऊँगा तो क्या होगा तो किस्मत से समझ लो या भगवान की आशीर्वाद समझ लो कि हम अच्छी सोच अच्छी नियत से हमेशा रहे हैं काम करते तो भगवान ने सदबुद्धि दी कि मुझे एक डिसीजन लेने पे मजबूर कर दिया जिसे कहते हैं कि मैंने नौकरी तो नहीं करनी क्योंकि मैंने देखा था मेरे रिलेटिव में दो तीन बिजनेस थे जो बहुत जब भी शादी बारातों में हम मिलते हैं ना तो देखते हैं कि जो बहुत पैसे वाला होता है वो अलग ही चमकता है अलग ही उसके रुतबा होता है अलग ही उसको वैल्यू मिलती है तो मेरे को एक Uh, मैंने एक डिसीजन ले लिया था कि करूंगा तो मैं बिजनेस करूंगा नौकरी, तो नौकरी का सेवन का तो तो कर में उन्नीस साल की उम्र में मैंने बिजनेस करने का डिसीजन लिया तो मैंने पापा से बात करी मैंने कहा पापा मुझे ना दुकानदारी करनी है बिजनेस करना है तो मेरे पापा ने कहा बेटा ऐसा है तू दुकानदारी तो कर नहीं सकता क्योंकि तू शॉर्ट टेम्पर्ड है दुकानदारी में तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें सुना के जाते हैं कस्टमर की बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ती हैं दूसरा मेरे पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि हम चार भाई बहन हैं तीन भाई हम एक बहन है तो मेरे पापा ने कहा कि मुझे चारों बच्चों को पालना है चारों बच्चों को देखना है चलो बड़ा भाई तो सेटल हो गया लेकिन तुम तीनों को देखना है उसके शादियां भी करनी है तो आ, मैं बिजनेस तो नहीं करा सकता क्योंकि बिजनेस में बहुत पैसा लगाना पड़ता है मैं बड़ा मायूस हुआ लेकिन वही बात है जहाँ चाह वहाँ रहा मैं शुरू से पॉजिटिव एटीट्यूड और सोल्यूशन पर फोकस करने वाला रहा हूँ इसीलिए भगवान ने थोड़ी बहुत सफलता दी है मुझे तो मैंने क्या किया मैंने अपने दोस्तों यारों का जिक्र करना शुरू कर दिया यार कि मैं बहुत हूं। मैं नौकरी तो करना नहीं चाहता कोई दुकानदारी का कोई जुगाड़ हो पैसों का कहीं से कुछ लोन का हो सकता है तो इतने में जिला जिला उद्योग केंद्र का लोन का ऑफर आया था बेरोजगारों के लिए नेहरू की कोई योजना आई थी उसमें तो उसमें पंद्रह का लोन मिल रहा था एट्टी की बात कर रहा हूँ मैं ये

ना मिनी ट्रक जो छोटा छोटा हाथी जिसे कहते हैं हम आज की डेट में उसमें भर के मेरा माल आ गया अब आप सोचो आज की डेट में पंद्रह हजार में एक मुट्ठी भर के माल नहीं आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का उस टाइम मेरा छोटा हाथी भर के माल आ गया तो मैंने घर पे माल उतरवाया तो मेरे पापा ने कहा ये क्या कर रहा है तो मैंने, जब आप नहीं दे रहे हो, तो मैंने लोन लिया है और मैं घर से सप्लाई का, का काम शुरू करूंगा फिर पापा ने देखा कि ये तो अब जिद पे आ गया है तो फिर पापा ने मुझे क्या किया कहा कि चल मैं तेरे को दुकान तो लेके दे सकता हूँ घर से मत कर मैं दुकान लेके दे सकता हूँ लेकिन बस सिर्फ इतना मैं करूंगा कि दुकान तेरे को लेके दे सकता हूँ वो भी किराए की चलो खैर कुछ तो पापा ने सपोर्ट किया मैंने दुकान शुरू करी दुकान शुरू करने के बाद ये सोचिए आप उन्नीस साल की उम्र से मैंने जब काम स्टार्ट किया 33 साल की उम्र तक काम तो बढ़ा मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्योंकि पैशन था मैं कोई भी काम करता हूँ तो या तो करता नहीं और करता हूँ तो फुल पैशन के साथ एक ही चीज बचपन से मेरी आदत थी कि मतलब और वो आज इस इंडस्ट्री में आके हमने सीखा भी कि पैशनेट होना बहुत जरूरी है और भगवान की कृपा से यह है कि मेरे को सक्सेसफुल होने के लिए पैशन था तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान को बड़े पैशन के साथ किया और छोटा सा एक दुकानदार पुराने पुराने दुकानदारों के दांत खट्टे करके टॉप टेन दुकानदारों में आ गया था मैं तो काफी स्ट्रगल करके टॉप टेन में तो आ गया लेकिन नाम का बहुत बड़ा टर्नओवर अच्छा हो रहा था सब कुछ था लेकिन इनकम इनकम कुछ नहीं थी थी दाल रोटी वाली ही निकल रही थी। तो 12 साल स्ट्रगल करते करते यही था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में अपग्रेडेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है अभी पिछला माल हम पूरा नहीं क्योंकि मेरा स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस था मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में एक डिप्लोमा करने के बाद अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान छोटी सी खोली थी तो उस दुकानदारी में ऊपर की दुकानदारी में जो नीचे की दुकानदारी हो तो रिटेल का काउंटर भी कर सकते तो ऊपर की दुकानदारी में होलसेल का ही काम चल सकता था तो मैंने फिर स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस किया कि चलो मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज है तो स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करो टीवी स्टीडियो में अप, अपने असेंबल करने लगे छोटे मोटे काम मतलब कुल मिला काम अच्छा चल गया था लेकिन बात वही होगी दाल रोटी की जिंदगी चल रही थी तो मैं बड़ा मायूस हुआ मैंने कहा यार मैंने कई काम एड किए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए अंधेरा होने पे लाइट जल जाती है ताली बजाने से लाइट जल जाती है चोर आता है तो अलार्म बज जाता है इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए काफी फेमस हो गया उसमें लेकिन अर्निंग बॉय बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी जूसर मिक्सर ग्राइंडर की एजेंसी ली मैंने टीवी की डिस्ट्रीब्यूटर शिल भी कई काम ऐड किए मैंने लेकिन मेरा काम जो है ना एक दाल रोटी वाली और मतलब जैसे कहते हैं बस नॉर्मल लाइफ के हिसाब से ही चलता रहा बहुत तड़पता था बहुत मायूस था तो जैसे एक आम आदमी सोचता है वही एक टाइम में आके मैं हार गया था मुझे लगा कि मेरी किस्मत खराब है और मैंने जिंदगी का गलत डिसीजन ले लिया इससे अच्छा तो मैं नौकरी करता अगर मेरी लाइफ क्योंकि मेरे फादर ने पहले कहा था कि तुझे तजुर्बा नहीं होगा तो तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा दूसरा इन्वेस्टमेंट बहुत मांगता है बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस तो ट्रेडिशनल बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी मांगता है नॉलेज भी मांगता है एक्सपीरियंस वगैरह और दूसरा मैन पावर भी मांगता है अकेले तुम नहीं कुछ कर सकते तो वही देखा मैंने कि मैन पावर की कमी की वजह से इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से नॉलेज की कमी की वजह से मैं बहुत सफर करता रहा कि एक एवरेज ही लाइफ जीता रहा तो मेरे को लगा एवरेज ही लाइफ जीनी थी तो फिर नौकरी क्या बुरी थी कम से कम दस से पांच ड्यूटी करके घर तो आता यहाँ पे मैं टेंशन भी ले रहा हूँ उधार भी डूबता है और दुनिया भर की कस्टमर बातें भी सुना के जाता है टेंशन भी रहती है कल क्या होगा इतने में ई कॉमर्स इंडस्ट्री और चाइनीज मार्केट का दबदबा होने लगा मार्केट के अंदर और मुझे फ्यूचर खतरे में नजर आने लगा यानी मेरी कमाई दाल रोटी से भी जाने की सिचुएशन दिखने लगी मेरी तब तक शादी हो चुकी थी मेरी एक बेटी हो गई थी

मैंने जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में भी बहुत ईमानदारी वही संस्कार जो मिले हुए थे उस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया था तो मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो गई थी सडनली उसी कर्मों का फल कहते हैं ना कर्मों से किस्मत मैं इस चीज पे बहुत बिलीव करता हूं, मुझे नहीं पता कौन कितना यकीन करता है लेकिन मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस चीज पे कि कर्मों से किस्मत बनती है कर्मों से किस्मत बनती है तो अगर कर्मों से किस्मत बनती है तो मैंने जो अच्छे कर्म कर रखे थे उस कर्मों की वजह से मुझे 99 मई में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली डायरेक्ट सेलिंग की जिससे मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई कि चलो यार इसमें इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं है तो किया जा सकता है मेरे एक बड़े भाई साहब के बचपन के दोस्त थे जो बैंगलोर एयरपोर्ट पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजर थे तो 99 मई में वो एक कंपनी लेके आया अश्वनी मैंने सुना है तू बहुत एम्बिशियस है तेरे मतलब का एक कॉन्सेप्ट है मेरे पास दे उन्होंने बताया मुझे कि ये छोटी सी अमाउंट ना के बराबर इन्वेस्टमेंट करके तू लाखों रुपए कमा सकता है तो मैं बहुत जोर से हंसा था क्योंकि मैं देख रहा था यहाँ लाखों रुपए दुकान पे लगा के कुछ हजार भी नहीं आ रहे और ये कह रहे बिना कुछ है। ना के बराबर पैसा लगा के तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो मेरे को बड़ी हंसी आई मैंने उनको बोला मैं क्या सर ऐसा है मैं छोटा भाई आपका जरूर हूँ क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब के दोस्त थे तो मैं कह रहा हूँ मैं छोटा भाई का आपका छोटा भाई जरूर हूँ लेकिन ऐसा मत कहो कि जो चीज़ हजम ना हो कह रहे क्या मतलब मैंने कहा देखो यहाँ लाखों रुपए लगा के बैठा हुआ और आप कह रहे हो कि यहाँ कुछ लगाए बिना मैं सवा लाख रुपए कमा रहा हूँ आप अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहे हो वो बैंगलो एयरपोर्ट पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजर थे पच्चीस हजार रुपए की जॉब को छोड़ के फुल टाइम कर रहे थे सवा लाख का चेक दिखा रहे थे मुझे मैंने कहा कह रहे ये देख चेक देख ले मैंने कहा चेक तो कंप्यूटर से उस टाइम कंप्यूटर का भी था कि प्रिंट आउट निकाल के बनाए जा सकते थे तो मैंने कहा कंप्यूटर से बनाए जा सकते हैं मैंने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं कह रहा ठीक है काम कर तो करना शुरू कर देख अगर तुझे लगेगा विश्वास मतलब वो समझा समझा के मुझे थक गए थे तो जैसे होता है ना हम भी कई लोगों को समझाते हैं तो नहीं समझ में आता तो मुझे भी नहीं समझ में आया था उस टाइम क्योंकि मुझे माइंड मेरा क्या था कि लाखों रुपए लगा के कुछ हजार आ सकते हैं या कुछ हजार लगा के कैसे करोड़ों रुपए कमाए जा सकते खैर रास्ता भी कुछ नहीं नजर आ रहा था तो यही था कि चल यार करके देख लेते हैं मैं कह ठीक है सर ऐसा है या मैं लाखों रुपए लगा के लाखों रुपए महीना नहीं कमा रहा हूं अभी दो हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट उन्नीस सौ पचास रुपए की इन्वेस्टमेंट थी रुपए की निरीक्षण करके अगर मुझे रुपए महीना भी आ गया ना यानी जितना मैंने पैसा लगाया उतना रुपए महीना भी मैं कमाने लग गया तो मैं समझूंगा ये बिजनेस बढ़िया है और मैं आपका थैंक्स करूंगा अब आप यकीन करोगे मेरा तीसरे महीने का चेक साढ़े छह हजार रुपये का आया वो बैंगलोर से आते थे रहते तो यहाँ दस सौ मकान छोड़ के थे लेकिन वो बैंगलोर में नौकरी लग गई थी तो वो बैंगलोर में ही शिफ्ट हो गए थे तो बैंगलोर से हर महीने तीन दिन के लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए आते थे तो तीसरे महीने जब मेरा साढ़े छह हजार का चेक आया तो मैंने उन्हें फोन किया मैंने कहा तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैंने जितना उन्नीस सौ पचास रुपए हो अब मुझे लग रहा है कि हो सकता है इतना कुछ आप अगली बार जब भी आओगे तो मुझे बताना पहले ही बता देना ताकि मैं उस हिसाब से प्रिपेयर होकर बैठू और बहुत सारे लोगों को कॉल करूंगा उन्होंने कहा ठीक है उन्होंने फिर नेक्स्ट जब आए तो मैंने क्या किया सुबेरे सुबह आठ बजे उनके घर में पहुंच गया मैंने जैसा बताया आपको कि दस मकान छोड़ के घर पे रहते थे वो मैं उनके सुबह आठ बजे घर पे पहुंच गया और उनके मैंने चरण पकड़ लिए पैर पकड़ लिए मैंने कहा गुरुदेव अब मुझे कुछ उम्मीद नजर आ रही है प्लीज मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताओ फिर उन्होंने बताया उस टाइम एट्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी पूरे वर्ल्ड वाइड उन्होंने बताया सारा मुझे सुबह से लेकर आप यकीन करोगे आठ बजे मैं पहुंचा था तो उन्होंने नहा धो के फ्रेश होके दस बजे नाश्ता भी मैंने उन्हीं के साथ किया दस बजे के बाद से लेकर रात आठ नौ दस बजे तक

तो अगले दो दिन तीन दिन के लिए मैंने जैसा कि बताया था अगले दो दिन मैंने धुआंधार काम किया फिर अगले तीन महीने में बैंकॉक तो मैं मैं की ट्रिप क्वालिफाई करी और मैं बैंकॉक की ट्रिप पे चला गया दुकान को शटर लगा के जब मैं बैंकॉक की ट्रिप पे गया और वहां की जो ट्रिप आपको पता है हमारी कंपनीज की जो होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो ट्रिप्स होती है वो बड़ी अल्टीमेट होती है बड़ा वीआईपी वेलकम होता है आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है आपको सम्मानित किया जाता है वो जब मैं हो गया तो मुझे चैन नहीं आ रहा था मुझे मतलब नींद नहीं आ रही थी जैसे कहते हैं मैं बड़ा कश्मकश ने कहा यार कि दुकानदारी में तो मैं बड़ा कर नहीं पाया क्योंकि वहां पर मैं ऑल इंडिया में बड़े बड़े ऑल इंडिया के जो टॉप अचीवर्स आए हुए थे उनसे मिलने का मौका मिला उनसे मैं इंस्पायर हुआ तो मुझे लगा यार कि मैं फुल टाइम आऊँ कितनी साल से दुकान मैंने चला रहा हूँ चलती दुकान को कैसे बंद कर दूँ मेरी डाउनलाइन मुझे कहने लगी मेरी बाहर की डाउनलाइन मुझे कहने लगी कि दुकान बंद कर दो पापा जी मेरे को सपोर्ट चाहिए आपका मेरा आगरा शिखोहाबाद मैनपुरी एटा सब जगह बहुत जगह मेरा बिजनेस था बॉम्बे भोपाल इटारसी तो मेरे को कई लोग बोलने लगे सर आप आया करो मीटिंग सपोर्ट करने के लिए तो दुकान बंद कर करके कैसे पॉसिबल था एक दिन ऐसे ही मेरी डाउनलाइन का एक बंदा बैठा हुआ था कह रहा सर आप दुकान बंद नहीं कर रहे हो ना हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है मैंने उसी टाइम उसे कहा मैंने कहा एक काम कर यार तू चल मैंने एक चीज देखी जिंदगी में डिसीजन एकदम से लिए जाते जाते हैं सोचते सोचते रहो तो सोचते रहोगे रहोगे तो ही रह हो डिसीजन एकदम से क्विकली लेना पड़ता है बस वही हुआ तीन दिन पहले जबकि मेरा पचास हजार रुपये का माल आया था मेरा दुकान पे मैंने पता नहीं क्या हुआ मैंने उसे कहा मैंने कहा प्रशांत बाहर निकल वो डर गया कह रहा सर क्या हो गया सर आपको बुरा लग गया मैंने कहा तू बाहर निकल यार कह रहा सर सॉरी सर मैंने कुछ गलत कह दिया तो अरे मैंने कहा तू बाहर निकल यार कोई कुछ नहीं तू बाहर निकल बाहर निकला मैंने शटर लगाया ताला लगाया मैंने कहा आज के बाद दुकान बंद और मैं आज से फुल टाइम आप यकीन करेंगे बहुत कलेजे में कहते हैं ना दम चाहिए मैंने कलेजे पे पत्थर रख के कैसा बारह साल जिस दुकान को मैंने उन्नीस साल की उम्र से तैतीस साल की उम्र तक मैंने सींचा खून पसीने से वो दुकान अगर मैं चलती हुई दुकान बंद कर रहा हूं बहुत बड़ा जिगरा चाहिए उसके लिए तो खैर डिसीजन ले लिया तो ले लिया अब जब डिसीजन लिया तो आप समझ सकते हैं जब डिसीजन लिया है, तो जब पार्ट टाइम में इतना अच्छा काम कर रहा था तो मैं फुल टाइम में क्या करूंगा फुल टाइम में आया तो फिर तो ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी जिंदगी बहुत अच्छे फॉरेन ट्रिप्स लिए मैंने सब कुछ लाइफ अच्छी चलने लगी सडनली उस कंपनी का मैनेजमेंट जो रोज प्लान आए दिन प्लान चेंज करता था डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं बनाता था जिसकी वजह से उस कंपनी में गौतम बाली जी नेशनल हेड थे तो गौतम बाली जी को भी छोड़ना पड़ गया बाली जी से तब से मेरे बड़े अच्छे संबंध है सिद्धार्थ जी भी दीपल पत्रा वाला मैडम और ये सारे लोग जो हेतल मैडम हैं और भी बहुत सारे लोग सुदर्शन मोहंती जी लोकेश सेठी जी विशाल शर्मा जी ये सारे लोग हम लोग साथ थे तो मैं हम लोग जब कंपनी रोज प्लान चेंज कर देती थी आए दिन और पॉलिसी ऐसी, ऐसी ऐसी लाती थी कि फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा था इतने में फिर मैं बड़ा मायूस हुआ कि मैंने कहा दुकान तो मैं बंद कर चुका हूँ और यहाँ दम घुट रहा है क्योंकि यहाँ लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं क्या किया जाए बस ऐसी लाइफ चलती रही भटकते रहे दो तीन चार कंपनियों करी कमाया सब में लेकिन कंपनियां जो स्टेबिलिटी नहीं मिली इतना हार चुका था कि आ, कहते ना ठोकरे खा खा के आदमी बादाम खाने से अकल नहीं आती ठोकरे खा के अकल आती है तो वही हुआ ठोकरे खा खा के बहुत एक्सपीरियंस लिया तजुर्बा लिया कमाया पैसा लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिलती थी लेकिन ये हो गया कि मैं ठोकरे खाते खाते एक ट्रेनर जरूर बन गया मुझे काफी अच्छी ट्रेनिंग्स मिलने लगी मुझे ट्रेनिंग के पैसे पच्चीस हजार रुपये दो घंटे चार घंटे के लोग देने लग गए कंपनियां देने लग गई मुझे लीडर्स देने लग गए इतने में क्या हुआ एक कंपनी से मुझे ऑफर आया उसी कंपनी से जिस कंपनी को मैं छोड़ के आया था पहले दिन जो फर्स्ट मेरी लाइफ की कंपनी थी तो मैंने जो है उस कंपनी का एक लीडर आया कि सर आप बहुत जबरदस्त ट्रेनर और यहाँ का एक एरिया मैनेजर है वो छोड़ के गया तो आप इस कंपनी में एरिया मैनेजर और ट्रेनर के रूप में ज्वाइन कर लो मैं क्या भाई तेरी कंपनी मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएगी कंपनी से पूछ ले तुम्हारे तो हम पैंतीस चालीस पचास हजार रुपये देते हैं फिर हाँ मैंने कहा मुझे दो लाख रुपए से नीचे नीचे भैया मुझे दो लाख से नीचे डकार नहीं आता तो कहता है कि सर दो लाख तो नहीं देते पैंतीस चालीस हजार देते लेकिन मैं बात करके देख लेता हूँ तो उसने अपने सीनियर से बात करी होगी तो वही बताया पैंतीस चालीस हजार तो मैंने कहा मेरा नाम बताइए जबकि मैंने करना नहीं था उस कंपनी में लेकिन फिर भी मैंने कहा पूछता हूँ देखता हूँ कहां तक ये लोग जाते हैं मैंने कहा अपनी कंपनी में बात करके देखना टॉप मैनेजमेंट में बात करके देखना और मेरा नाम बताना क्योंकि मेरे को उस कंपनी में काफी टॉप जो कंपनी के ओनर थे वो भी जानते थे मुझे

दो कंपनियां थी एक विदेशी कंपनी थी और एक वेस्टीज थी जिसको मैं देख रहा था कि ग्रो कर रही है कंपनी मैंने कहा अगर करूंगा तो इन्हीं दोनों कंपनियों में मैं में में से किसी एक में ट्रेडिंग करूंगा जिसमें मुझे दिख भी रहा है और इनका फ्यूचर ब्राइट है तो मैंने कहा उस कंपनी में तो मुझे कोई जानता नहीं विदेशी कंपनी में लेकिन इस कंपनी के जो गौतम बाली जी हैं वो मेरे रेगुलर टच में थे वो मेरे तीन चार बार घर होके गए थे मुझे वेस्टीज के लिए प्लस विद सिद्धार्थ सिंह जी लोकेश जी काफी बार मुझे बोल चुके थे पहले और भी कई लीडर रमेश पुनानी जी कई बार घर हो गए बहुत सारे लीडर ब्रजेश मिश्रा जो एम्बेसडर हैं कुल जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मतलब बहुत उमेश जी हैं सारे लीडर्स मेरे को काफी अप्रोच कर रहे थे और इन्होंने मेरे को जब अप्रोच कई बार किया तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि कंपनी तो ग्रो कर ही रही है और लीडर्स भी अच्छे हैं सारे क्योंकि इन लीडरों से मैं मिला था ये सारे इंसान बहुत अच्छे थे तो इनकी ग्रोथ भी मैं देख ही रहा था तो मैंने कहा चलो गौतम बाली जी से बात करके देखता हूँ तो अच्छी जान पहचान है मैं इनसे बोलता हूँ मुझे नेटवर्किंग तो मैं करूंगा नहीं क्योंकि नेटवर्किंग से मेरा मन उठ गया था मैंने कहा ट्रेनर के रूप में जॉब करूंगा और वेस्ट कंपनी के साथ बात करूंगा अभी मैं सोच ही रहा था तो वही कहते हैं ना जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में रचने लगती है तो मैंने सोच रहा था गौतम बाली जी से मैं बात करूं फिर दो तीन बार होकर मना कर दिया टाइम था उस टाइम और अच्छा गौतम तो बाली जी का मुझे दिवाली विश करने का मैसेज आ गया अब अंधा क्या जाए दो आंखें मेरे को इतनी खुशी हुई मैंने तुरंत फोन लगाया मैंने कहा सर मैं मुझे आपसे मिलना है वो बड़े खुश हुए क्योंकि मुझे काफी अप्रोच कर रहे थे तो मुझे बड़े खुश हुए वो कह रहे यार तू क्यों आ रहा है मैं आऊंगा तेरे पास तू बड़ी मुश्किल से तो काबू में आ रहा है अब मैं तेरे पास मैं कहा नहीं नहीं सर अब मैं समझ रहा था कि वो मेरे को नेटवर्किंग के पर्पज से देख रहे हैं और मैं जॉब के पर्पज से आ रहा हूँ तो जॉब के पर्पज से उनको बुलाना ठीक नहीं था मैंने कहा सर मैं वहीं आ रहा हूँ कह रहा नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ मेरे को बद्दी आना ही है फैक्ट्री विजिट करने की तो उधर भी मैं ऋषि के साइड में भी जाता रहता हूँ तो मैं आऊंगा मैंने कहा नहीं सर मुझे गुड़गांव और झांसी शादी में जाना था तो मैंने कहा नहीं सर मैं आ रहा हूँ मैं पहुंचा वहां पे और बातचीत हुई मैंने सबसे पहले जाते ही उनको मैंने बोला सर क्या सर मुझे जॉब करनी कह रहे क्यों मैं कहा सर, मतलब? कह, सर, कह, सर इंडस्ट्री से विश्वास उठ गया कोई कंपनी टिकती नहीं है दूसरा कंपनियों की पॉलिसी चेंज होती है अब दिक्कत हो रही है कि अब विश्वास ही खत्म हो गया अब मैं ट्रेनर के रूप में करूंगा आप मुझे ट्रेनिंग के रूप में रख लो तब उन्होंने मुझे एक बात बोली जो मुझे प्राउड फील होती है आज भी वो अलग बात है कि मैं वो उस हिसाब से उनकी अपेक्षाओं में चाहे खरा नहीं उतर पाया सिद्धार्थ जी जैसा नहीं बन पाया उन्होंने मुझे एक बात बोली एक शख्स मेरे पास पहले भी आया था उसको भी मैंने एक ये ये डायलॉग डायलॉग बोला था आज मैं 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 तेरे को को दूसरा बंदा है तुझे मैं ये बोलने जा रहा हूं। कि मैं शेर को पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहता सिद्धार्थ सिंह उस टाइम छब्बीस लाख रुपए का चेक ले रहे थे तो बोला इन्होंने सर ने गौतम बाली जी ने कि सिद्धार्थ मेरे पास पचास हजार रुपए की जॉब मांगने आया था वो भी ट्रेनर के रूप में आया था मेरे पास मांगने की ट्रेनिंग की जॉब दे दो और पचास हजार रुपये की जॉब मांग रहा था आज देख अगर वो पचास हजार रुपए की जॉब कर रहा होता तो कितना चेक होता है उसका एक लाख होता है पचहत्तर हजार होता डेढ़ लाख होता आज छब्बीस लाख कमा रहा है ऐसे ही मैं तुझे बोल रहा हूँ तू आने वाले टाइम में दसियों लाख रुपए कमाएगा तू लाखों रुपए का बंदा है क्या दो लाख रुपए में सिमट के रहता है रहना चाहता है तू मैं नहीं सर इंडस्ट्री से विश्वास हो गया खैर उठ गया तो उन्होंने कहा तू एक काम कर एक साल काम करके देख ले मेरी कंपनी में अगर तुझे यहाँ फ्यूचर नजर आए तो ठीक है नहीं तो मैं तेरे को तू जैसा कहेगा वैसा देख लेंगे

तू एक काम कर कल आ कल मेरे ऑफिस आ मैं तुझे सारी प्लानिंग बताऊंगा फ्यूचर प्लानिंग क्या पास हमारी प्लानिंग थी फ्यूचर प्लानिंग क्या है उससे तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मैं दूसरे दिन गया उनके ऑफिस में छे घंटे कम से कम बैठा मैं उनके साथ उन्होंने मुझे पूरा कंपनी की पास प्लानिंग फ्यूचर प्लानिंग सब बता दी और सब बताने के बाद जब उन्होंने जिकता ना कि आ, सब कुछ देखने के बाद मेरा दिमाग घूम गया कि कंपनी कितने बड़े विजन के साथ काम कर रही है मैं बाहर निकला मैंने कहा सर मैं पैर छुए गौतम बाली जी के मैं कहा सर आशीर्वाद दो उन्होंने मुझे गले लगाया तू मेरे पैर मचू तू मेरा छोटा भाई है तू मेरे गले लग और आप इतिहास रच दे खैर आया और मैंने फिर काम स्टार्ट किया काम स्टार्ट करते समय अब मैं आपको बताऊं मेरी ट्रेन ये मेरी स्टोरी में भी कुछ ट्रेनिंग है जो आपको मैसेज मिल जाएगा बहुत अच्छा मैं देहरादून दिल्ली से ज्वाइन करके आया था वो बड़ी लंबी स्टोरी है मैं उसको नहीं शेयर करना चाहूंगा मैं वैसे गौतम बाली जी के साथ डायरेक्ट मैंने कहा था मुझे डायरेक्ट ले लो तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं जी डायरेक्ट तो मैं नहीं ले सकता लेकिन आप किसी के साथ जुड़ जाओ मैं अपलाइन का रोल प्ले करूंगा और रियल में मेरे साथ शुरू में दीपक सूद जी और गौतम बाली जी ने अपलाइन का रोल प्ले किया मेरे साथ तो मैं जब ज्वाइन करके देहरादून आया तो देहरादून के ऑफिस में गया और कुछ लीडर्स ने मैंने बातचीत करनी शुरू करी तो सबने बोला क्या यार जी कौन सी कंपनी ज्वाइन कर ली साढ़े दस साल हो गए उत्तराखंड में सात आठ लाख रुपए छह लाख रुपए सेल नहीं है ब्रांच ऑफिस की जाके देखो खाली पड़ा रहता है तो मैंने कहा कोई बात नहीं थोड़ा सा उनकी बातें सुनकर लगा मुझे लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है तो मेरी एक आदत है मैं सोचता हूँ मैं रतन टाटा जी के डायलॉग को बहुत फॉलो करता हूँ कि मैं सही फैसले लेने पर यकीन नहीं करता लिए हुए फैसले को सही साबित करने पर यकीन करता हूँ और वही हुआ मैंने कहा फैसला तो ले लिया मैंने अपनी समझ से अब मैं सामने वाले को ये प्रूफ नहीं होने दूंगा कि मैं बेवकूफ हूं मैंने बेवकूफी का डिसीजन लिया क्योंकि अगर हम सामने वाले की बात मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपने आप को बेवकूफ साबित कर दिया और सामने वाले को हमने समझदार साबित कर दिया तो मैंने कहा नहीं बेटा मैं तेरे को तो प्रूफ करके देखूंगा तो जितने लोग मुझे कहते थे ना तूने गलत डिसीजन लिया तो मैं सोचता था अब इतने लोगों को साबित करना है एक को नहीं दस को नहीं बीस को नहीं सौ को नहीं अब तो बहुत लोगों को साबित करना है मुझे तो मैंने क्या किया सबको साबित करने के लिए सोचने के लिए मैंने वहां जब ऑफिस में गया तो ऑफिस में मुझे देवेंद्र शाह जी हमारे कंपनी के जो ब्रांच मैनेजर है उनको मैंने अपना ज्वाइनिंग फॉर्म दिया तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि मैंने कहा वो डायमंड लॉन्च होती है मैंने क्योंकि देखा था डायमंड लॉन्च मुझे अपलाइन ने बताया था कि डायमंड लॉन्च होती है डायमंड के लिए अलग से तो मैंने पूछा छोटा सा ऑफिस था हमारा प्रिंस चौक पे मैंने कहा डायमंड लॉन्च कहा है तो उन्होंने कहा डायमंड लॉन्च तो है नहीं है मैंने कहा क्यों कह रहे कोई डायमंड ही नहीं है तो डायमंड लॉन्च बना क्या करेंगे मैंने कहा यार साढ़े साल हो गए उत्तराखंड में वेस्ट में कोई डायमंड ही नहीं है कह रहे नहीं तो अब देखिए ऐसे में क्या होता है जब लोग भी मना कर रहे हैं और कंपनी में भी अपने पे भरोसा था मैंने उनको क्या बोला मैंने कहा भाई ऐसा है कोई बात नहीं मन में, में मेरे आया मैंने कहा यार उत्तराखंड का पहला डायमंड बनने का सौभाग्य मुझे मिल सकता है मेरे उसी टाइम मेरे दिमाग में कहता ना कि डायमंड तो मैं उसी टाइम बन गया था मैंने उसको बोला मैं उत्तराखंड का करवा मैं बहुत जल्दी से प्रूव भी करना पंजाबी आदमी है बोल देते हैं तो फिर करके छोड़ते हैं वही हुआ पहले महीने में डायरेक्टर दूसरे महीने में सिल्वर ऐसे करते करते आठ महीने में मैंने मैं डायमंड लेवल अचीव कर दिया ग्यारह महीने में मैंने अपनी फोर्ड निकाल दी। अब आप एक साल बीत गया मेरे को क्या करूंगा जब मैंने रिकॉर्ड तोड़ने कम आ चुकी हैं तो गाड़ियां, इतनी खुशियां है, होती हैं कि अपने साथ साथ औरों की भी गाड़ियां अचीव हो रही है तो मैंने जो है ग्यारह महीने में जो अपनी गाड़ी अचीव करी उसके बाद अभी इक्कीस अक्टूबर को दो को मैंने अपनी मर्सडीज बैन जो सपने की गाड़ी जो कोई बहुत जी कहते हैं कि दूर दूर तक कहीं ख्याल नहीं था कि मैं कभी मर्सिडीज़ ले सकता हूँ गौतम बाली जी कहते हैं तो है, बचपन से वो जो उसका लोगो था वो मेरे को परेशान करता था कि ये लोगो कितना प्यारा है इसका वेस्टीज मर्सिडीज uh, का लोगो तो बहुत सारी गाड़ियां देखी लेकिन वो लोगो मुझे बहुत परेशान करता था और उसी लोगो ने मेरे को जो है कहते हैं ना कि

अकेले पैसा नहीं कमा रहा हूं यहाँ पे मैं अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ बदलने में रोल प्ले कर रहा हूं कहा बदल पा रहा था आज मैं इस अच्छे प्लेटफॉर्म की वजह से देखो एक चीज देखो कितनी समझने वाली बात है अश्वनी पावा तो पहले भी वही था लेकिन अश्वनी पावा के पास प्लेटफॉर्म नहीं था अश्वनी पावा के पास पैशन पहले भी था टैलेंट पहले भी था शायद लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था प्लेटफॉर्म होना भी जरूरी है आपके अंदर पैशन है आपके अंदर डेडिकेशन आपके अंदर टैलेंट है क्या करोगे अगर प्लेटफॉर्म नहीं है तो पहले भी तो प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्मों में ट्राई करके देख लिया था ना लेकिन देखेगा तो प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाए और बाकी आप सक्सेसफुल होने के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं अगर आप वो करते हो तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती सफल होने से वही हुआ आज जिंदगी में सारी खुशियां ऐश टाइम फ्रीडम फॉरन ट्रिप्स जर्मनी ऑस्ट्रिया स्लोवाकिया वगैरह तो कहीं हो चुकी हैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी यहाँ बदल रहा हूँ बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने में रोल प्ले कर रहा हूँ मैंने क्या बदलना है मैं अपने तजुर्बे से एक्सपीरियंस से लोगों को बता सकता हूँ बदलता तो हर आदमी अपने आप ही है उन्होंने अपने आप जिंदगी बदली लेकिन हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल मेरा जरूर है जो हम लोग गाइडेंस देते हैं सारे सक्सेसफुल लोग इस इंडस्ट्री में सिस्टम कंपनी के जो ट्रेनर्स हैं कंपनी के ओनर्स का जो विजन है आज आप देखो उन्हीं ओनर्स के विजन की वजह से वर्ल्ड के टॉप थर्टी में सबसे पहले आप लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई हो कि कंपनी वर्ल्ड के टॉप थर्टी में आ चुकी है इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए इस कंपनी की सोच इस कंपनी के मैनेजमेंट की सोच अभी लॉकडाउन के अंदर जिनके लेवल अचीव नहीं हुए उनको कंपनी ने सिल्वर एंड डबल को लेवल अचीव करके पैसा दिया उनको नहीं भी अचीव हुए तब भी पैसा दिया उनको आप सोच के देखो ठीक दस तारीख को कंपनी के अकाउंट में पैसा हम लोग ने सबके अकाउंट में पैसा आ गया लॉकडाउन में लोग बहाना मारते हैं हमारी कंपनी लगातार हमारे कंपनी के ट्रेनर्स देखिए इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं हेल्थ की ब्यूटी प्रोड की और आप देखिए मीट द दिलेन डेली एक लीडर से मिलवा रहे हैं हर एक लीडर से सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है तो आप देखिए ऐसी कंपनी में अगर कोई कामयाब नहीं हो सकता तो समझ लीजिए उसी के अंदर कोई कमी होगी क्योंकि प्लेटफॉर्म में कोई कमी नहीं है कंपनी के सिस्टम में कोई कंपनी नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कंपनी है ऐसी कंपनी में तो मैं बता रहा हूं कि

पहला डायमंड बनने का सौभाग्य तो ईश्वर ने मुझे दिया और हमेशा जिंदगी भर रहेगा प्राउड फील करूंगा क्योंकि हमने आज मैंने बताया सात से आठ लाख के ब्रांच ऑफिस की सेल थी हमारे सक्सेना जी जो बहुत इन्होंने मेरी हेल्प करी है साहब ने और शुरू में मेरे को जितनी हेल्प करी है रचित सक्सेना जी ने और रचित सक्सेना जी ने तो मेरा टोटल अपलाइन का रोल प्ले किया सूज साहब ने मेरा अपलाइन का रोल प्ले किया और बाली साहब ने ये तीन लोगों ने मेरे शुरू की सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और आज डेढ़ साल के बाद आज विशाल शर्मा जी लोकेश सेठी जी का भी बहुत बड़ा रोल है और सिद्धार्थ जी का तो खैर कहना ही क्या उनके बारे में तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं सारी दुनिया जानती है उनसे सीख सीख के दुनिया कहाँ पहुंच रही है तो अब आगे मैं चलता हूँ जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है और जो मेरी सोच है मैंने उसको शब्दों में सरल शब्दों में डालने की कोशिश करी अपनी स्लाइड्स में तो आगे बढ़ता हूँ देखिए सफल लोग ऐसा क्या करते हैं सफल लोग वो काम भी करते हैं जो उनको पसंद नहीं होता अक्सर क्या होता है कि मैंने देखा है ज्यादातर तो लोग जो जो फेलियर्स होते हैं हैं वो वो क्या करते हैं? जो काम उनको पसंद होता है वो करने की कोशिश करते हैं जो कम पसंद नहीं होता जो सॉरी कम पसंद होता है या नहीं पसंद होता वो नहीं करते जैसे आप किताबें पढ़ना सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ना या लोक व्यवहार बिजनेस स्कूल इस टाइप की बुक्स जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है उन बुक्स को पढ़ के आप ग्रो कर सकते हो लेकिन पढ़ना अच्छा नहीं लगता ट्रेनिंग लेना अच्छा नहीं लगता घर घर जाके लोगों को बताना अच्छा नहीं लगता फोन करके अप्रोच करना अच्छा नहीं लगता ना सुनना अच्छा नहीं लगता काम लोग छोड़ देते हैं तो अच्छा नहीं लगता मीटिंग करने में बुलाते रहो मीटिंगों में लोग आते नहीं नहीं अच्छा लगता तो इसीलिए लोग जो है इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करते और फिर छोड़ देते हैं बहुत जल्दी इन चीजों से हार जाते हैं और छोड़ देते हैं लेकिन जो सफल लोग होते हैं वो वो काम भी करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं हमें भी पसंद नहीं नहीं है है हमें भी जब कोई लोग मना कर देते हैं या हम, है। है हम है। यहाँ पे टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम फॉरन ट्रिप्स गाड़िया सब कुछ दुनिया के सोशल वर्क रेकोगेशन अच्छी सेहत सिक्योर्ड इनकम ये सब चीजें जब एक साथ एक प्लेटफॉर्म में मिलनी हो तो इसके लिए कोई प्राइस पे करना पड़े कि जो चीज नहीं पसंद है वो भी करनी पड़े तो कोई बुराई नहीं है तो जिसके लिए सफलता जरूरी है वो वो काम भी करते हैं जो नहीं पसंद होता तो मैंने भी वो काम करना शुरू कर दिया अब आज की डेट में देखिए लॉकडाउन में कई लोग पिक्चरें देख रहे हैं कोई व्यायाम कर रहा है कोई घर पे लेटा हुआ है कोई क्या कर रहा है कोई टाइम पास कर रहा है लेकिन हम लोग को फुर्सत ही नहीं है हम तो सुबह साढ़े सात बजे से शुरू हो जाते हैं रात बजे तक अपनी मीटिंग टीम की ट्रेनिंग ले रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं खुद भी ले रहे हैं खुद अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं एक सी एक ट्रेनिंग्स मिल रही है हमारे को घर बैठे बैठे हम ट्रेनिंग से अपने आप को काबिल बनाते जा रहे हैं अपनी काबिलियत बढ़ा के अपने को इस लायक बना रहे हैं ताकि हम भी पांच दस लाख बीस लाख कमाए क्योंकि आज जितनी काबिलियत है मैं जितना पैसा कमा रहा हूँ उतनी ही मेरी काबिलियत है आज मैं दो से तीन लाख रुपए जो कमा रहा हूँ वो मेरी उतनी ही काबिलियत है मुझे अगर पैसा कमाना है तो मुझे अपनी काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा तो इसलिए मैं भी क्या कर रहा हूँ अनकंफर्टेबल होकर दस दस बजे तक उठ रहे हैं मैं तो नींद आ रही होती है लेकिन मैं तब भी उठता हूँ उठ के भी करता हूँ रात ग्यारह बारह तक भी मैं करता हूँ तो अनकंफर्टेबल होकर भी काम कर रहा हूँ लेकिन असफल लोग ऐसा नहीं करते आम आदमी क्या करता है जो काम उसे पसंद होता है चाहे वो उसे सफलता दिलाए ना दिलाए जबकि पता है उसे उस काम से बहुत लोग सफल हुए हैं लेकिन वो नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि यह काम अनकंफर्टेबल कर रहा है मुझे मेरे को पसंद नहीं है लोग आते नहीं है मीटिंग में लोग ना कर देते हैं वो नहीं करता है क्या क्या मुश्किल है मैं मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा लेकिन मैं आपको बता दू कुछ लोग इसको मुश्किल बना देते हैं कैसे अपनी मनमानी करके सिस्टम से ना कनेक्ट होके ईगो रख के छोटी सोच रख के इधर उधर टाइम बर्बाद करके अपलाइन के भेजे हुए मैसेज को सीरियसली ना समझ के सिर्फ कॉपी पेस्ट करना

आगे अपनी टीम को सिखा के तब काम करेंगे तो पैसा मिलेगा काम से ज्यादा इधर उधर की बातों में ध्यान देके ये सब चीजें करके आदमी मुश्किल बना देता है अपनी सफलता को अपनी टीम को काम ना सिखा के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद सीखते रहते हैं सीखते रहते हैं सीखते रहते हैं लेकिन अपनी टीम को डुप्लीकेट नहीं करते यानी अपनी टीम को नहीं सिखाते अपनी टीम को क्या करते हैं चलो अपलाइन से सीख क्या हो जब अपलाइन ही सिखाएगी तो फिर पैसा भी अपलाइन ही कमाएगी आप थोड़ा कमा सकते हो आपको खुद सीखना पड़ेगा और खुद सिखाना पड़ेगा ठीक है ना जिम्मेदारी सबको थोड़ी थोड़ी लेनी है यहाँ पे हर एक ही आदमी सौ परसेंट काम नहीं करेगा सौ लोग मिलके एक एक परसेंट काम करेंगे तभी मल्टीप्लाई होगा तभी इनकम भी मल्टीप्लाई होगी टाइम भी मल्टीप्लाई तभी, तभी होगा पैसा भी मल्टीप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ प्लान दिखाते जाते हैं कुछ लोग और जोड़ते चले जाते हैं उनको ना एजुकेट करते हैं ना इंडिपेंडेंट करते हैं जो लोग कमाने आए उनको ना इंडिपेंडेंट करेंगे आप उनको जो कमाने आए हैं पहले आप खुद तो इंडिपेंडेंट हुई है जब वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो अपनी टीम में लोगों को क्या इंडिपेंडेंट करेगा मीटिंग पे टाइम पे खुद उन पहुंचेगा नहीं वो और जब खुद नहीं पहुंचेगा तो उसकी डाउनलाइन भी वही करेगी क्योंकि वह देखेगा जिसने मुझे अपने मेंटर है? बोलते हैं स्टेज पे आगे मेरा मेंटर ये है मेरा मेंटर वो है लेकिन मेंटर की साथ रेगुलर सिटिंग नहीं करते जब रेगुलर सिटिंग नहीं करेंगे क्योंकि जब भी आप फील्ड में जाते हो तो प्रॉब्लम्स आज भी मुझे भी आज भी आती है तो आज में अपने जितने अपलाइंस हैं जो मुझे गाइड कर सकते हैं उन सब से प्लस कंपनी के मैनेजमेंट से कंपनी के सबसे हम बात करते हैं ताकि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले अपने मेंटर को अपनी एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन ना देना ये सब चीजें जो गलतियां हम करते हैं वो गलतियां ना करके आदमी मुश्किल बना देता है वेस्टिज को जबकि वेस्टिज बच्चों का खेल है क्या है सामान अपने घर का आटा दाल चावल साबुन तेल शैंपू चाय पत्ती सप्लीमेंट जो कहीं और से खरीद रहे थे वहां से ना खरीद के यहाँ से खरीदना है कोई मुश्किल है क्या जो नहीं नहाता होगा या जो नहीं खाता होगा उसके लिए मुश्किल है लेकिन जो नहाता है और खाता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है जिसने कभी ब्रांड ना चेंज किया ऐसा कोई है नहीं इस धरती पे तो क्या दिक्कत है दूसरा उसके बाद अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी को शेयर करना क्या हम फ्री में आज तक पिक्चरों की तारीफ और दुनिया भर के रेस्टोरेंट की तारीफ नहीं करते तो वो यहाँ पे करना है क्या लेकिन मैंने बताया ना कैसे हम मुश्किल बना देते हैं वो आपको मैंने बताया देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी हार्ड वर्क करना पड़ेगा सिंसियरिटी ह्यूमिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए तब आप जाके सक्सेसफुल होते हैं लेकिन लोग क्या करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं उनके अंदर ईगो होती है ये सब अनसक्सेसफुल लोगों की निशानी है सक्सेसफुल लोगों की निशानी है नॉलेज हार्ड वर्किंग नॉलेज लेने पे काम करते हैं हार्ड वर्किंग होते हैं सिंसियरिटी होती है लेकिन जो असफल लोग होते हैं उनके अंदर ईगो अगर वो काम कर भी रहे हैं मेहनत कर रहे हैं वो कई लोग कहते हैं सर हमें सफलता नहीं मिल रही कहां से मिलेगी अगर ईगो नहीं छोड़ोगे यहाँ पे तो आपको बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा अपनी सोच बदलनी पड़ेगी ईगो छोड़नी पड़ेगी जेलसी छोड़नी पड़ेगी चीटिंग छोड़नी पड़ेगी लेजीनेस छोड़नी पड़ेगी ये चार चीजें आदमी को असफलता की तरफ लेके जाती हैं हाँ देखिए इनको तो सब जानते होंगे मैं समझता हूं हम लोग सब सांस लेते थे पहले भी लेकिन बाबा ने क्या किया हमें सिखाया कि कैसे सांस लेने का तरीका बदल के आप स्वस्थ रह सकते हैं लोगों ने अपना सांस लेने का तरीका बदला और स्वस्थ रहना शुरू कर दिया लोगों की सांसें सांस लेने के तरीका बदलने से सेहत अच्छी होने लग गई और बाबा जी बन गए ऐसे ही अगर वेस्टीज में आपको सफल होना है ना तो दुकान बदलो और सोच को बदलो मैंने रेड कलर से इसीलिए लिखा है सोच बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है दुकान बदलो सोच बदलो काबिल बनो और जिंदगी बदलो हम आपको वेस्टीज कहती है कि दुकान बदलने से और सोच बदलने से काबिल बनने से आपकी जिंदगी हम बदल सकते हैं तो यहाँ पे सपने पूरे होते हैं यहाँ कहा नहीं जाता यहाँ हजारों लोग 200 से ऊपर लोग मर्सडीज बी एमडब्ल्यू अचीव कर चुके हैं जिसमें से एक मैं भी आपके साथ बैठा हूँ पांच हजार के करीब चार पांच हजार लोग नॉर्मल वाली गाड़ियां ले चुके हैं पांच दस पंद्रह लाख वाली और कितने लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ये आप जानते हैं कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है अगर आप सपने पूरे करना चाहते हो तो ये तीन चीजें याद रख लेना सोच आदत और संगत अपनी सोच बदल दो आदत बदल दो और संगत बदल दो आपकी जिंदगी में बदलाव अपने आप आना शुरू हो जाएगा ये विवेकानंद जी की बहुत अच्छी लाइन थी मैंने इसको आप लोगों को बताने के लिए कि, कि सभी शक्ति अक्सर लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं होता हर आदमी कहता मैं नहीं कर सकता पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा डाउट में रहता है अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप कुछ वाकई नहीं कर सकते तो देखिए सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है विवेकानंद जी का एक स्टेटमेंट था सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं आप कुछ भी और सब कुछ अगर आप कहते हैं कुछ भी कर सकता हूं तो बिल्कुल सही है आप सब कुछ कर सकते हैं तो भी सही है ठीक है ए पावर इज विद इन यू यू कैन डू एंड हर एक काम आसान है कोई भी दुनिया में काम मुश्किल नहीं है मुश्किल तो वो था जो राइट ब्रदर्स के सामने फ्लाइट कोई एग्जाम्पल नहीं था तब भी उन्होंने फ्लाइट बना दी एडिसन के सामने कोई बल्ब का एग्जाम्पल नहीं था लेकिन उन्होंने बल्ब बना दिया ग्राम बेल के सामने कोई टेलीफोन का एग्जाम्पल नहीं था तो जिन लोगों ने आविष्कार किए उनके लिए मुश्किल था लेकिन तब भी उन्होंने आसान करके उसको करके दिखा दिया हमारे सामने तो हजारों एग्जाम्पल है प्रूवन एग्जाम्पल है लोग सफल हो रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ सफल हो रहे हैं हर काम आसान है बस अंदर से एक आवाज आनी चाहिए चेंज उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा चेंज इंटरनल चेंज और एक्सटर्नल चेंज एक्सटर्नल चेंज तो बहुत आसान है कुछ भी नहीं है आपको सिर्फ क्या है एक्सटर्नल चेंज में अपने ढंग से कपड़े पहन लो ये सब छोटी मोटी चीजें ये आपको सब पता है अपना आ, साफ सुथरे कपड़े पहनो सही पॉलिश किए हुए जूते पहनो दाढ़ी क्लीन करके अब मैं आपको बता दू अभी दोपहर तक मैं इस मीटिंग से पहले मैंने फ्रेंच कट रखी हुई थी उससे पहले मैं अपनी टीम की जब मीटिंग कर रहा था उससे पहले मैंने पूरी दाढ़ी रखी हुई थी मैंने कहा जब तक तो लॉकडाउन नहीं खुलेगा मैं अपना लुक देखता हूँ चेंज करके लेकिन आज जब मैं इतने हजारों लोगों के सामने आ रहा हूँ तो मैं जो है पूरी क्लीन शेव करके आया हूँ अपने ओरिजिनल लुक में आ गया हूँ मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कट में दाढ़ी में लोग मुझे आप देख लें और बाकी सामने देखने में कोई पहचाने ना और अच्छा नहीं लगता तो एक्सटर्नल चेंज ये छोटी मोटी चेंज आप, आपकी अपलाइन आपको सिखा देंगे मेन है इंटरनल चेंज जिसके मैं बात करने वाला हूँ इंटरनल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड अब जो समझ ली अगली दो स्लाइड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपकी लाइफ चेंजिंग स्लाइड हो सकती है बहुत ध्यान से सुनिएगा लेकिन इसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको वेन यू चेंज योर थिंकिंग क्योंकि देखिए सोच बदलने से आपकी जिंदगी बदलेगी वेन यू चेंज योर थिंकिंग जब आप सोच बदलते हैं अगर आप सोच नहीं बदल रहे तो जैसे हो वैसे ही रहोगे लेकिन अगर आप चेंज करते हैं अपनी सोच को बदलते हैं तो आपके विश्वास बदलना शुरू हो जाता है क्योंकि अगर आप सोच नहीं बदलोगे तो जो आपका विश्वास है कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो वाकई आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन जब आप सोच बदलेंगे तो आपको विश्वास भी आपका बदलेगा यस आई कैन डू इट मैं कर सकता हूं तो जब आपका विश्वास बदला वेन यू चेंज योअर बिलीव चेंज योर एक्सपेक्टेशन जब आपका बिलीव बदला तो आपकी एक्सपेक्टेशन बदल गई अब जब विश्वास बना सोचने की हिम्मत करीज वे, ने वो विश्वास दिया तो अब एक्सपेक्टेशन बढ़ गई ना कि यार जो लोगों मुझे परेशान करता था मर्सिडीज का तो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई ना मेरी कि अब मैं मर्सिडीज अचीव कर सकता तो तब आपके अंदर क्या है जीतने की भावना आती है आपका आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर है आपने अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो गए आपके अंदर जीतने की इच्छा होने लग गई तो आपका एक विनिंग एटीट्यूड डेवलप हुआ आपका एटीट्यूड चेंज हुआ कि नहीं हुआ

तो देखिए आप मैं फिर से एक बार बताऊंगा वेन यू चेंज योर थिंकिंग यू चेंज योर बिलीव वेन यू चेंज योर बिलवस यू चेंज योर एक्सपेक्टेशन वैन यू चेंज योर एक्सपेक्टेशन यू चेंज योर एटीट्यूड वेन यू चेंज योर एटीट्यूड यू चेंज योर बिहेवियर वैन यू चेंज योर बिहेवियर यू चेंज योर परफॉर्मेंस वेन यू चेंज योर परफॉर्मेंस यू चेंज योर लाइफ आपकी जिंदगी बदल जाती है तो सोच को बदलिए और जिंदगी बदलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड अब एटीट्यूड को चेंज कैसे किया जाए मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल दूंगा बहुत सही तरीके से आप बहुत आसान तरीके से अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत बचपन में हमारे माँ बाप भी ये क्या करते थे कि बेटा अच्छे लोगों की संगत में रहो बुरे लोगों की संगत में मत रहो अगर आप सोचो नेगेटिव लोगों की संगत में रहोगे यार कुछ नहीं होता ये सब बेकार की चीजें हैं कुछ नहीं होता ये सब बेकार मैंने भी करके छोड़ दिया तेरे बस का कुछ नहीं है अगर ऐसे लोगों के साथ आप उठ के रहोगे आप उन उठो बैठोगे तो आपकी एनर्जी सक होगी इनको कहा जाता है एनर्जी सकर। मैंने एक अपने मेरे जो थे जो थे जिंदगी में जिन्होंने मैंने बताया था मैं फर्स्ट टाइम जब 99 में इंडस्ट्री में आया था जो मेरे मेंटोर थे जो मैंने बताया मेरे बड़े भाई साहब के दोस्त थे जो मेरे मेंटोर थे जिंदगी में सक्सेसफुल होना उन्होंने सिखाया मुझे उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि बेटा तुम ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जो हमेशा आगे बढ़ने की पॉजिटिव बातें और जीतने की बातें कर रहे ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल मत करना जैसे लोगों के साथ में रहोगे तो वैसे तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी तो कुछ लोग कुछ टाइम तक उनका साथ छोड़ दो जब तक तुम कमजोर हो जब तक तुम असफल हो जब सफल हो जाओगे फिर तुम्हें कुछ नहीं है फिर तो तुम उनके ऊपर हावी हो गए नहीं तो शुरुआत में अगर तुम ऐसे लोगों के साथ उठो बैठोगे तुम्हारा एटीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा और तुम हावी हो जाएगा एटीट्यूड तुम्हारी लाइफ के ऊपर और तुम असफल हो जाओगे तो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बचपन में माँ बाप कहते थे कि भाई अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो तो ये सब एनवायरमेंट बहुत बड़ा रोल करता है प्ले हमारे एटीट्यूड एटीट्यूड को डेवलप डेवलप करने करने में में हमारे अंदर विनिंग व्हाट यू रीड अगर आप पढ़ते क्या हैं आप नेगेटिव चीजें पढ़ो सत्यकथा मनोहर कहानियां क्राइम पेट्रोल इस टाइप की कुछ मैगजीन मुझे तो पता भी नहीं मैंने तो कभी पढ़ी नहीं है किताबें लेकिन मैंने सुनी थी ये दो तीन कहानियां जो क्राइम की आती हैं या नेगेटिव चीजें आती हैं या जो भी आती हैं

तरीके से सोचते हो आप आधा गिलास भरा हुआ देख रहे हो तो भी ठीक है आधा गिलास खाली देख रहे हो तो वो भी ठीक है लेकिन ये आपकी सोच है अगर आप खाली देखोगे तो ऐसे ही वैस में भी अभी कई लोग कहेंगे अरे सर माल ही नहीं पहुंच रहा अरे पूरी दुनिया का नहीं माल पहुंच रहा तो वैसे क्या कर लेगा अब कई कहेगा अरे यार घर बैठ के क्या करें अरे ये भी कोई लोग मना कर रहे हैं हर चीज में वो नेगेटिव कुछ भी जरा सी कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढेगा यानी गिलास को खाली देखेगा गिलास भरा हुआ नहीं देखेगा आधा गिलास हमेशा वो खाली देखेगा आधा भरा हुआ नहीं तो आपके ऊपर है तो आप कैसा सोचते हैं ये सब आपके एटीट्यूड को डेवलप करता है यू सी आप आप देखते क्या देखते क्या हैं कैसी पिक्चर देख रहे हो मैं तो हमेशा मैं बताऊं आपको थ्री इडियट इस टाइप की गुरु अभिषेक बच्चन की गुरु जो मैंने कम से कम पचासों बार देखी होगी अः uh, थ्री इडियट ये ऐसी पिक्चरें हैं थ्री इडियट का एक डायलॉग तो मेरे मन में बस गया मेरी टीम रट गई मेरी टीम को भी रट गया कि काबिल बनो कामयाबी के पीछे मत भागो काबिल बनो कामयाबी तो झक मार के आपके पीछे आएगी काबिलियत पे पैसा खर्च करो काबिलियत पे टाइम इन्वेस्ट करो काबिलियत पे ध्यान दो काबिलियत को बढ़ाने में क्योंकि आज हम जितनी जिस पे हैं, वो अपनी काबिलियत की वजह से जितनी काबिलियत है उतना ही पैसा है इसका मैं एग्जाम्पल बहुत सिंपल देता हूँ एक बैंक में एक मैनेजर भी होता है एक चपरासी भी होता है मैनेजर को लाख रुपए तनख्वाह अगर मिल रही है चपड़ासी को दस हजार मिल रही है तो क्यों मिल रही है जबकि हो सकता है बैंक मैनेजर से ज्यादा हैंडसम जो है आपका चपड़ासी होगा हैंडसम ज्यादा वो होगा लेकिन तनख्वाह उसको ज्यादा मिल रही है क्यों उसकी शक्ल देख के उसको पैसा थोड़ा मिल रहा है उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको बैंक मैनेजर की पोस्ट मिली और उसको तनखा मिली तो जब काबिलियत देख के नौकरी में पैसा डिसाइड होता है तो जिंदगी में आप कैसे अः सफलता में आप जो है नॉर्मल आदमी बन के बिना काबिलियत पैदा किए पैसा कमा लोगे दुकानदारी में भी आप देखोगे कई कपड़े के व्यापारी हैं जो बहुत जबरदस्त कपड़े की दुकान चला रहे हैं कई लोग ऐसे हैं कपड़े की दुकान खोल के बंद कर देते हैं तो ये काबिलियत है उसके अंदर काबिलियत नहीं है कपड़ा दुकान की चलाने की और जिसके अंदर काबिलियत है वो कपड़े की दुकान बहुत बढ़िया चला रहा है तो काबिलियत हर जगह रोल प्ले करती है तो यहाँ पे भी काबिलियत पैदा करो और काबिलियत कहा से पैदा होगी यूट्यूब के वीडियो देखो ऐसे ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार आज की डेट में जूम पे जितने प्रोग्राम हो रहे हैं उनको सुन के सीख के अपग्रेड हो जाओ अपग्रेड होते हुए होते अपनी टीम को भी नॉलेज दो अपनी काबिलियत बढ़ाओ अपनी टीम की काबिलियत बढ़ाओ सफलता तो बच्चों का खेल बन जाएगी वर्ट यू लिसन म्यूजिक अब आप सोचिए दिन रात अगर आप ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं ऐसे गाने सुनोगे तो फिर क्या होगा आपकी जिंदगी में दिए मुस्तफिल ऐसे गाने सुनोगे तो क्या होगा अरे आप ऐसे गाने सुन के जाओगे तो क्या होगा आप किसी को प्लान देने जा रहे हो तो उसको भी आप उसी अंदाज में बात करोगे तो वो क्या करेगा

जिंदगी की यही रीत है इतनी शक्ति हमें देना दाता हम इस टाइप के तो म्यूजिक कैसा आप सुनते हैं इन सब चीजों से तो किस एनवायरमेंट में रहते हैं क्या पढ़ते हैं क्या सोचते हैं क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं इससे आपका टोटल एटीट्यूड डेवलप होता है फिर वही थिंकिंग के ऊपर एक मैं बहुत अच्छी बात बोलूंगा कि जब हम सोचना शुरू करते हैं थिंकिंग की बात बताऊं आपको हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं हमारा फोकस वहीं जाता है अगर हम सोचते हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा तो हमारा कहा हम क्या सोच रहे हैं फोकस हमारा कहा जा रहा है कि हमारा काम नहीं चल रहा तो जब जहां हमारा फोकस जाता है एनर्जी भी वहीं फ्लो करती है वेयर फोकस एनर्जी फ्लोस आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप एनर्जी दे रहे हो जहां पे आप फोकस करोगे एनर्जी वहां मिलेगी क्या हम कर सोचते हैं क्या कोई करेगा या क्या नहीं पता नहीं कोई करेगा नहीं करेगा कोई करता तो है नहीं पता नहीं चलेगा कि नहीं पता नहीं वो ज्वाइन करेगा या करेगी नहीं लोग बहुत नेगेटिव है बहुत सारी कंपनियां आई बहुत मुश्किल है पता नहीं किस्मत साथ देगी कि नहीं किस्मत खराब है बस मेरा चेक आ जाए बस मेरी टीम चले ये सोच के इंसान को कभी भी जिंदगी में नहीं सफलता मिल सकती एक कंपनी में फोकस होके काम करो आप किस्मत वाले हो जो वेस्टिज में हो हमको तो भटकने के बाद मिली कंपनी आपको तो पहली बार में ये कंपनी मिल गई जिन लोगों को जो पहली बार जिंदगी में कंपनी वेस्टीज में आए ना वो अपने लिए तालियां बजाओ अपनी किस्मत पे गर्व करो आपने अच्छे कर्म किए थे इसलिए आपको वेस्टिज मिल गई जिन लोगों ने अच्छे कर्म नहीं किए उनको वेस्टीज समझ में भी नहीं आने वाला क्योंकि इतनी ईमानदार इतनी ऑनेस्ट कंपनी इतनी अच्छी फोकस कंपनी इतनी अच्छी कंपनी को भी अगर कोई नहीं फोकस होकर काम कर सकता तो उसके कर्म खराब है मैं तो यही कहूंगा फोकस नेगेटिव चीजों पर मत करो नेगेटिविटी लाइफ में में पॉजिटिव चीजें चीजें और नेगेटिव जिंदगी होती रहेंगी अगर आप पे फोकस देखो मैंने इसलिए नेगेटिव को छोटा लिखा हुआ है फोकस नेगेटिव चीजों पे ना करें नेगेटिव को मैंने छोटा करा हुआ है फोकस पॉजिटिव चीजों पे करें मैंने पॉजिटिव को बड़ा लिखा हुआ है फोकस पॉजिटिव चीजों पर करें जब जिसपे आप फोकस करते हो वही बड़ा हो जाता है आपने देखा होगा बचपन में हम लोग क्या करते थे एक कागज पे लेंस लगाते थे तो लेंस को अगर फोकस करके हम धूप में रखते थे तो कागज जल जाता था इवन कपड़ा भी जल जाता था लेकिन अगर हम लेंस को हिलाते रहेंगे तो कागज कपड़ा कुछ भी नहीं जलेगा तो प्रॉब्लम पे फोकस मत कीजिए सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए आज देखिए हम लोगों ने ये इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा कि हमने इस सिचुएशन में भी सॉल्यूशन निकाल लिया कि आज Zoom जो है प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन निकालने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमने प्रॉब्लम में से भी सोल्यूशन निकाल लिया और हम लोगों ने जूम की ट्रेनिंग शुरू कर दी घर बैठे बैठे लोगों को ट्रेनिंग पहुंचानी शुरू कर दी आज हमारी टीम के लोग इतने मोटिवेटेड मोटिवेटेड रहते रहते हैं रहते हैं वेस्टिजियन सारे क्योंकि हम लोग हमारी कंपनी के लोग इतना बढ़िया हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं और आज हम लोग सोल्यूशन पे फोकस करके अपनी जिंदगी को बेहतर कर रहे हैं सोच बदली है जब भी किसी को समझाने जा रहे हैं उसको ये मत सोचिए कई बार होता है ना ये आ जाए बस मजा आ जाए ये आ गया ना तो मेरी जिंदगी बदल जाए

अरे अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया अपनी सोच बदली नहीं अपने पैशन के साथ एक्टिविटी बढ़ाई नहीं हर बार वो सोचते शायद कोई जादू की छड़ी अप्लाई घुमाएगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी ऐसा नहीं होता जिंदगी बदलने के लिए आपको सीरियसली अच्छी सोच और अच्छी नियत से काम करना पड़ेगा अच्छी सोच और अच्छी नियत आपको सफल बना देगी 100% आपकी अच्छी सोच अच्छी नियत बदल आपकी जिंदगी बदलेगी

यहाँ पे आपको देखिए तीन फैक्टर्स काम कर रहे हैं अदर पीपल्स टाइम अदर पीपल्स स्किल्स और अदर पीपल्स एफर्ट्स यहाँ आप अकेले नहीं आप सोचिए आम जिंदगी में हम क्या करते हैं आम जिंदगी में अकेले लगे हुए हैं सफलता के लिए यहाँ पे तो अपलाइन की स्किल भी अपलाइन का टाइम भी अपलाइन के एफर्ट्स भी काम कर रहे हैं आपके एफर्ट्स के साथ साथ आपके अपलाइन के टाइम स्किल्स और एफर्ट्स काम कर रहे हैं आपकी डाउनलाइन के टाइम स्किल्स और एफर्ट्स भी काम कर रहे हैं और आपके भी तो यहाँ तो मल्टीप्लाई होगी आपकी इनकम आम जिंदगी में तो हमारा ही टाइम हमारे ही स्किल हमारे ही एफर्ट्स होते हैं यहाँ पे आपके अदर पीपल्स टाइम अदर पीपल्स स्किल्स एंड अदर पीपल्स एफर्ट्स भी काम आते हैं ठीक है तो मैं समझता हूँ काफी हो गया आ, मेरे ख्याल से अभी टाइम और तो नहीं आ, विकास जी हाँ है। जी सभी टेन मिनट है हमारे पास अभी 10 मिनट है चलिए ठीक है हमारे पास कंटिन्यू कर सकता हूँ मैं चलिए देखिए आप आप देख रहे हैं जैसे कि Uh, जब आप गोल की तरफ बढ़ेंगे अब आप अपने आप को ढूंढिए देखिए कहा है आपके यू लिखा हुआ है सबसे लेफ्ट साइड में नीचे कोने में यू आप एक ड्रीम लिस्ट बनाते हैं अपलाइन आपको कहता है ड्रीम 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 लिस्ट 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 बनाओ आपने बनाई बना के आप अपने गोल्स की तरफ बढ़े सामने गोल्स नजर आ रहे हैं आपको लास्ट में एंड में राइट साइड में ऊपर कोने में आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखिए कौन कौन लोग रास्ते में डंडा लेके खड़े हुए हैं सबको नजर आ रहा होगा रिलेटिव्स, फियर कौन कौन चीजें आपको रोकेंगी सॉरी कौन कौन सी जब आप सपने के लिए अपने गोल की की तरफ बढ़ेंगे सपने की लिस्ट लेके तो कौन कौन सी चीजें आपको फ्रेंड्स रिलेटिव सोसाइटी फियर गिल्ट ये सब जो भी काम करेगा उसको फेस करना पड़ेगा नेगेटिविटी भी फेस करनी पड़ेगी डर का भी सामना करना पड़ेगा सारी चीजें आप भी फेस कर रहे हैं हमने भी फेस किए हैं सिद्धार्थ जी ने भी फेस की होंगी विशाल शर्मा जी ने भी करी होंगी लोकेश सेठी जी ने भी करी होंगी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में उन सब ने ये फेस की होंगी अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर है अगर आप वाकई जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और अगर आपके सपने आपके लिए पूरे करने बहुत जरूरी हैं तो आप इन सब चीजों का सामना हंसते हंसते टीम वर्क की मदद से आप इनको झेल लोगे झेलना ही कहेंगे हम क्योंकि इनको कई बार बहुत अझेल हो जाती है चीजें ये मुझे पता है कई बार क्विट करने का दिल करता है कई बार छोड़ने का दिल करता है लेकिन अगर आपके सपने अगर आपको चाहिए वो जिंदगी किसी भी कीमत पे तो आप इनको झेल जाओगे क्योंकि देखो तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ अगर जिंदगी भर घिस घिसट के जीने से अच्छा तो वो कौन सी लाइफ अच्छी होती है घिसिट घिसट के तो हम तिल तिल के रोज ही मरते हैं तो तीन चार पांच साल ढंग से मर लो ना ढंग से मर के स्वर्ग का मजा ले लो जीते जी स्वर्ग का मरने के बाद किसने स्वर्ग देखा है लेकिन होता क्या है ज्यादातर लोग क्या करते हैं चाहते हैं कि भाई पड़ोसी मर जाए और स्वर्ग मजा मिल जाए यानी मेरा डाउनलाइन मर के काम करे दिन रात अपलाइन मर मर के काम करे और स्वर्ग मुझे मिल जाए ऐसा नहीं होता अगर स्वर्ग का मजा लेना है तो मरना भी खुद ही पड़ेगा यानी खुद ही ये सब चीजें झेलनी पड़ेंगी

हेल्प करने में मदद कर, कर, करते हैं हमारी आगे बढ़ने में दिक्कत कहां आती है देखिए ये एक बहुत अच्छी कोटेशन मुझे जब भी लगती है तो मैं जरूर उनको अपने पास सेव कर लेता हूं जीवन में आप निश्चित रूप से सफल होंगे अगर आप उन बातों पर अमल करें जिन्हें करने के लिए आप दूसरों को कहते आए हैं वही बात पड़ोसी मर जाए मेरी डाउनलाइन भाग भाग के काम करे खुद घर में मैं बैठा रहा हूं मेरी डाउनलाइन जाके मीटिंग अटेंड करे मैं घर पे बैठा रहा जा जा सपोर्ट करे मेरी अपलाइन मेरे लिए करे लेकिन मैं अपनी डाउनलाइन के लिए कुछ ना करूं तो वही बात है जिन्हें करने के लिए आप दूसरों को कहते आए हैं अगर आप खुद उसको अमल करना शुरू कर देंगे यहाँ पे तो आप काबिल बनना शुरू हो जाएंगे और काबिल बनेंगे तो सफलता तो बच्चों का खेल बन जाएगी ठीक है तो मेरे ख्याल से विकास जी अभी तो तीन चार स्लाइड और है लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा तो आ, मैं समझता हूँ इतना काफी है आज के लिए सो थैंक यू वेरी मच एंड हाँ पांच बजे से हमारी एग्रीकल्चर की भी मीटिंग स्टार्ट होगी जी 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 लेकिन जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स के चैट बॉक्स में मैसेज आए हैं सर उनको देख के बाकी में आज सब के सब बहुत कुछ सीख कर गए हैं बहुत ही शानदार जिसको बोलते हैं धमाकेदार वैसे इनके कमेंट्स आ रखे हैं थैंक यू आज उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है

Uh, सर हमारे जो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट uh, है उनमें से काफी ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अभी नए हैं और सबके मन में, में कुछ ना कुछ सवाल होते हैं जी तो uh, एक सवाल तो यह आता है वेस्टिज जी अगर हम लोग वेस्टीज कंपनी की बात करें तो मार्केट में बाकी जितनी भी कंपनी है उनके मुकाबले वेस्टीज आपको अलग किस प्रकार किस प्रकार से लगता है एक ही लाइन में जवाब है सिर्फ एक ही लाइन में वेस्टीज का मैनेजमेंट और कुछ नहीं वेस्टीज का मैनेजमेंट देखो मैंने क्या बताया था मैंने मीटिंग ट्रेनिंग के दौरान भी एक बात बोली थी कि अश्वनी पावा तो पहले भी वही था आज फिफ्टी थ्री की एज है तिरफ्टी फोर में मैं एंटर कर चुका हूँ अड़तालीस तक अश्वनी पावा तो वही था अश्वनी पावा ने 19 साल की उम्र से स्ट्रगल किया और 48 साल की उम्र तक स्ट्रगल करता रहा वही अश्वनी पावा अनसक्सेसफुल होकर लाइफ जी रहा था प्लेटफॉर्म कोई नहीं मिल रहा था 48 साल के बाद ऐसा क्या चमत्कार हो गया अश्वनी पावा की जिंदगी में वो चमत्कार हुआ वेस्टीज का

मतलब वो हमेशा मुझे बोलते हैं फोन उठा के सीधा बोलेंगे बड़े भाई बड़े भाई मतलब आप ये सोचो इतने बड़े कंपनी के ओनर्स जो हैं ये लोग ये ऐसे बात करते हैं बाली साहब से जब मैं अभी मर्सिडीज की चाबी लेने गया था तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त छोटा भाई मुझे हमेशा वो बोलते हैं दोस्त छोटा भाई मतलब आप देखो ना कि ए, क्या मतलब डाउन टू अर्थ लोग हैं तो ऐसे मैनेजमेंट दूसरा आज यही सेम चीज ऊपर से नीचे चलती है कंपनी का स्टाफ आप लोग हैं जैसे हमारे कंपनी के एरिया मैनेजर आलोक टंडन जी आज की डेट में आलोक टंडन जी कितनी हेल्प कर रहे हैं आप देखिए विकास जी हमारी कितनी हेल्प कर रहे हैं रचित जी ने इतना अच्छा रोल प्ले किया जितने भी ये कंपनी रिजुता रिजुता मैडम है जो अंशप्रीत मैडम है वैशाली बाली है ये सब ट्रेनर्स इतनी हेल्प करते हैं हम लोग की इतनी हेल्प करते हैं ऑफिस का स्टाफ कितना अच्छा है तो और क्या चाहिए वैसे चीज कह रहा हूँ ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन किसी और कंपनी में नहीं मिलने वाला

सफल जिंदगी जीने का बड़ा जिस कहते हैं ना पैशन है मेरे को मतलब मेरे को नॉर्मल लाइफ नहीं पसंद मेरे को इस धरती पे जितनी खुशियां हैं वो सब चाहिए लेकिन ईमानदारी से तो ईमानदारी का प्लेटफॉर्म अगर मिल गया मुझे पता है मैं क्या करूंगा तो मैंने मैं मेरे को कभी घर वालों ने बोला नहीं ऐसा कुछ मेरे फैमिली ने मुझे बहुत कॉपरेट किया मेरे फैमिली ज्यादा डिस्टर्ब करती थी शुरू में बस एक बार वही जब मैं दुकान खोलने लगा था तब मुझे बोला गया था कि नौकरी करो दुकान मत खोलो लेकिन नेटवर मार्टिंग में जब मैं आया था तो मैंने सबको ये बोला था अपनी फैमिली को कि तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं पूछा था लोगों ने कि भाई मेरी फैमिली ने मेरी

मेरे को फैमिली ने बहुत सर लास्ट में परिवार तो में जो भी नए सदस्य जुड़ रहे हैं एंड जिनके लिए भी आपका नेटवर्किंग बिल्कुल आपका फ्रेश बिजनेस है बिल्कुल नया जे. है उनके एक सिंगल लाइन में आप क्या उनसे एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सिंगल काबिल बनो कामयाबी पे फोकस करो काबिल बनो कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी फिर तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है पर डांस शुरू कर देना काबिल बनते जाओ रोड डांस करो मस्ती करो ऐश करो यहाँ पे सिर्फ काबिलियत पे फोकस करो और एक्शन करो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अच्छी सोच अच्छी नियत के साथ काम करो ऊपर वाला आपके साथ है वैसे चीज तो है ही है जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर एंड आपने बहुत सही कहा कि हम लोग को काबिल बनना है यानी कि अपनी जो स्किल्स है उनको लगातार हम लोग को बढ़ाना है और उसको बढ़ाना है हम लोग को लगातार ट्रेनिंग्स और जो भी हमारे इवेंट जी जी

सबका जो मुझे बोलने का मौका दिया और मैं जिंदगी में कुछ किसी के तो कि जिंदगी में बदलाव ला पाया मैं इन चीजों पर किस्मत बनती है तो मेरे अच्छे बदले थैंक यू सो मच हम सब ने बात बहुत कुछ सीखा इनफैक्ट वो बात हम लोग को बहुत अच्छी लगी कि सांस हम लोग सबके सब लेते हैं लेकिन बस एक सांस लेने का हम लोगों ने तरीका बदला एक तरीका बदला करके आज की डेट में

बजे बजे सॉरी दोबारा आपके लिए मीटिंग आ रही है जिसमें कि आप लोगों को एग्रीकल्चर के सारे जितने भी आपके प्रोडक्ट है उनके बारे में जानकारी दी जाएगी अः इस मीटिंग में हमारे ट्रेनर होंगे मिस्टर शिवम सिंगल, जो कि आपको एग्रीकल्चर में जितने भी प्रोडक्ट्स है उनके बारे में कैसे उनको यूज करना है किस किस फसल में किस प्रकार से उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है इसके बारे में आपको जानकारी सारी सारी जानकारी देंगे मीटिंग आई डी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ आप उसको नोट कर सकते हैं मैं चैट बॉक्स में इस मीटिंग आईडी को डाल रहा हूँ मैं अपनी स्क्रीन बंद कर सकता हूँ जी जी सर थैंक यू सो मच